गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सबका स्वागत है, वेलकम है इन आवर क्लासेस. लेट स्टार्ट आवर टुडे सेशन विच इज़ गोइंग टू बी चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम. एंड इन लास्ट आवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड फायर फाइटिंग. हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. नाउ लेट्स डिस्कस वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स. अब हम ये वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे, इसमें क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज टू कॉल द फायर सर्विस बाय डायलिंग 101. इसमें ये बोल रहा है इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट, मतलब अगर आपके यहाँ पर कहीं पर आग वाग लग जाए घर में या आस पड़ोस में, तो पहला सबसे फर्स्ट काम ये है आपका कि आप 101 पे कॉल करें. ये फायर फाइटिंग का नंबर होता है. सबसे पहले इस नंबर पे कॉल कर दें ताकि वो वहाँ पे जो फायर फाइटिंग वाले हैं वो आएंगे और आपकी फायर को बुझाने की कोशिश करेंगे. ओके, व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइज द फायर एमेस एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द फायर. जब फायर ब्रिगेड आएगी द फायरमैन क्या करेगा, एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. वो फायर को बुझाने के लिए वाटर उसके ऊपर प्रेशर से उसके ऊपर थ्रो करेगा, पानी से, पानी की बौछारों से. व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन वाटर, व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन फायर, जब फायर पे पानी जाएगा इट कूल्स द कम्बस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निस्टेड टेम्परेचर. तो वो जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जो जल रही है चीज़, वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी. व्हेन इट्स जब वो कूल होगी इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाएगा. चीज़ ठंडी होगी तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और आग को फैलने से रोकेगा. द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर, जब वाटर गर्म होगा और वाटर वेपर बना लेगा, फॉर्म्स वाटर वेपर, है ना. जब फायर से वो वाटर गर्म होगा और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, देन व्हाट विल हैपन, द कम्बस्टिबल मटेरियल हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. उससे क्या होगा कि कम्बस्टिबल मटेरियल जो है उसके आसपास की हवा को वो काट देगा, मतलब उसके पास में एयर को नहीं पहुंचने देगा. सो द फायर गेट एक्सटिंग्विश, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाए, होने लगेगी, मंस बुझ जाएगी. दस वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन. इसलिए जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें वाटर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा. ओके, हायर हाउ एवर वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर हैज सम लिमिटेशंस दैट आर एज फॉलो. लेकिन अगर आप वाटर से किसी फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उसमें कुछ कमियां भी है. सो व्हाट इज़ द लिमिटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. वाटर कैन नॉट बी यूज, वहाँ पर वाटर का यूज़ ना करें जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है. इलेक्ट्रिक वायरिंग मतलब बिजली के तारों में आग लग गई है, तो उन चीज़ों को वाटर से बुझाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट विल टेक्स प्लेस. दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इसलिए क्योंकि वाटर जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. व्हेन इट इज़ पोर्ड, जब उसके ऊपर वाटर को पोर करेंगे, ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर्स और अप्लायंसेस, और ज़्यादा जलने लगेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होता है वाटर. इट कॉज इलेक्ट्रिक शॉक टू द पीपल, लोगों को इलेक्ट्रिक पीपल लोग जो होंगे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा उनको, जो आग बुझाने वाले लोग हैं फायर फाइटिंग ऑपरेशन में. दिस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल पीपल, और इससे लोग भी मर सकते हैं. सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स. वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल. सेकंड पॉइंट है, वहाँ पर वाटर का यूज़ ना करें वेयर बर्निंग ऑफ ऑयल, जब ऑयल जल रहा हो या पेट्रोल जल रहा हो, इन चीज़ों को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ ना करें. वाई, बिकॉज वाटर बींग हेवियर देन ऑयल, जो वाटर जो होता है वो ऑयल से भारी होता है, सेटल डाउन एट द बॉटम, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा
ऑयल फ्लोट ओवर दिस वाटर, पानी के ऊपर वो ऑयल तैरने लगेगा एंड कंटिन्यूस टू बर्न, और लगातार जलता रहेगा। सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। ऐसी जगह यूज़ ना करें वेयर बर्निंग ऑफ ऑयल या पेट्रोल का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। वी कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वी कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, बिजली से आग लग गई है, या इन्फ्लेमेबल मटेरियल है लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन, सो वी कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज द फायर एक्सटिंग्विशर्स। वाई? वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स। हम क्या करेंगे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। सी दिस इज़ रेड कलर, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्टोर की हुई है हाई प्रेशर से। वंस रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर, जब ये सिलेंडर से बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, इट एक्सपांज इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा एंड कूल्स डाउन, और ये ठंडी भी होने लगेगी। इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग, जिसकी वजह से जो बर्निंग के बीच का कॉन्टैक्ट है वो वहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट है, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जिससे क्या होगा, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिससे जलेगा नहीं। हैंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश, द फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अधिकतर केसों में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी ऑफन सी सच फायर एक्सटिंग्विशर इन अवर स्कूल्स, या आपने इस तरह का सिलेंडर आपके स्कूल में देखा होगा, ऑफिसेज में, गोडाउन्स एंड हॉस्पिटल्स। ओके, सेंड में आल्सो बी पोर्ड ओवर सम बर्निंग मटेरियल टू एक्सटिंग्विश फायर। वी कैन ऑल्सो यूज सेंड, हम सेंड का भी यूज़ कर सकते हैं, रेत, ओवर सम बर्निंग मटेरियल टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग मटेरियल, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा बर्निंग मटेरियल से, ठीक है, बर्निंग मटेरियल से ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। नेक्स्ट है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सी दिस इज द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर, इसमें एक मेटल का सिलेंडर है, इसको मेटेलिक सिलेंडर, हैविंग ए नॉब एंड ए नोजल ट्यूब, इसमें नॉब दिख रहा है ऊपर की तरफ और एक नोजल ट्यूब होती है, ये रही नोजल ट्यूब, ये बाहर की तरफ, दिस द मेटेलिक सिलेंडर इज फिटेड विद ए सेचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर ये जो केमिकल का नाम लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके अंदर फिल भरा हुआ रहता है। ए ग्लास बॉटल कंटेनिंग एल्यूमिनियम सल्फेसिट कैप्स इनसाइड द मेटेलिक सिलेंडर, एक ग्लास की बोतल होती है छोटी सी जिसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, ये देखो ये छोटी सी बोतल यहाँ पे दिख रही है ये वाली, इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट एक केमिकल भरा हुआ है मेटेलिक सिलेंडर के अंदर। व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब ऑफ द एक्सटिंग्विशर, जब हम इसको नॉब को दबाएंगे हार्ड सरफेस पर, द ग्लास बॉटल ब्रेक्स, ये ग्लास की बोतल यहाँ से ब्रेक होगी, टूटेगी, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, मतलब ये एक दूसरे से मिलेंगे एंड आपस में रिएक्शन करेंगे विद इट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, दोनों की रिएक्शन होगी वहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ओके, एंड नेक्स्ट, ए सब्सटेंस कॉल्ड सपोनिन, एक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है सपोनिन, इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें हम डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में सपोनिन को डाला जाता है, टू प्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म बनेंगे, झाग बनेंगे। द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोजल, उसके बाद ये जो फॉर्म है ये कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ से इस नोजल से बाहर निकलेंगे, ये नोजल आपको दिख रही है, ये देखो ये नोजल यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये नोजल से, द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोजल दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फायर, जो कि सीधे फायर को बुझाने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। द फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर,
तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं कैन बी इसको सेफली यूज़ करें टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो फायर हुई है वी कैन यूज़ सेफली टू एक्सटिंग्विश फायर वाई इन एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन, कहीं हमको आग ना लग जाए, हम ना जलने जाए, इसलिए टेक केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। अब अगर किसी को फायर से कोई जल गया है तो उसकी केयर किस तरह से आप करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम, विक्टिम मतलब जो आग से जल गया है वो, वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम द फायर प्लेस टू एन ओपन स्पेस। जिसको आग लग गई है, जिसको फायर का जो विक्टिम है, उस विक्टिम को हम जहाँ पे फायर का प्लेस है उस जगह से दूर ले जाएंगे, खुली जगह में ले जाएंगे, टू प्रिवेंट द फायर विक्टिम फ्रॉम ब्रीदिंग हार्मफुल गैसेस, जिससे कि वो सांस ले सके हार्मफुल गैसेस से वो बचे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक। सी दिस डायग्राम, दैट में लीड टू सफोकेशन, जिससे कि सफोकेशन होगा, उसका दम नहीं घुटेगा हम जब उसको सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, एंड ब्रेथलेसनेस। ठीक है, सेकंड, व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जब किसी आदमी के कपड़े जल जाए, द पर्सन शुड बी कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट से कवर करें, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे एयर की सप्लाई रुक जाएगी, एज ए रिजल्ट द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। सी दिस डायग्राम, ब्लैंकेट रेप्ड अराउंड ए पर्सन, ये एक पर्सन के चारों तरफ ब्लैंकेट हमने एक चादर लगाई है जिससे कि आग बुझेगी। वी शूड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, वी कैन यूज़ वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, जो विक्टिम की बॉडी है उसके ऊपर पानी डाल दें, द बॉडी विल कूल डाउन, जिससे कि बॉडी ठंडी होगी, बिलो इट सिग्निफिकेंट टेम्परेचर जलने से, एंड एज ए रिजल्ट द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, जिससे कि फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। वाटर ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर ऑन द स्किन ऑफ द फायर विक्टिम, और वाटर जो होगा उसके ऊपर ब्लिस्टर बनने से भी रोकेगा। अगर आपने किसी पे पानी डाला है जलते आदमी, तो उससे ब्लिस्टर, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब होता है फफोले, छाले बनने से भी वो उसको रोकेगा। ठीक है, वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, हम तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल करेंगे फ्रॉम द नियर बाय हॉस्पिटल, एंड सेंड द फायर विक्टिम टू द हॉस्पिटल, और जो फायर विक्टिम है उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि उसको और मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। ओके, नेक्स्ट है, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फ्लेम, वॉट इज फ्लेम, यू कैन सी दिस डायग्राम और फ्लेम, देखो ये गैस की फ्लेम है, ये ब्लू फ्लेम है, ये लाइट कैंडल की फ्लेम है, दिस इज येलो फ्लेम। ओके, ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ ए फ्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, एक फ्लेम वो होती है जहाँ पर कि कंबशन होता है फ्यूल का, जिससे कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी कमिंग आउट फ्रॉम द कुकिंग गैस स्टोव, देखो ये कुकिंग गैस स्टोव से एलपीजी निकल रही है, इट इज़ ब्लू इन कलर, ये नीले कलर की है, द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज येलो इन कलर। ओके, सो ऑल गैसेज लाइक एलपीजी, जितनी भी गैसेज है जैसे कि एलपीजी है, दैट अंडरगो कंबशन होगा एंड प्रोड्यूस ए फ्लेम व्हेन वी लाइट ए कैंडल विद ए मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक से किसी कैंडल को जलाते हैं, द हीट ऑफ द मैच स्टिक नॉट ओनली मेल्ट द वैक, उससे सी वो मैच स्टिक से जो वैक्स है मोम, वो सिर्फ पिघलेगा ही नहीं, बट आल्सो चेंज द वैक्स इनटू इट्स वेपर, वेपर को मेल्ट, वो वैक्स को उसके वेपर फॉर्म में भी ले आएगा। द वैक्स वेपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये जो वैक्स वेपर है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एंड देन कैचेस फायर, और आग पकड़ लेगा, एंड टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, और जिससे कि एक फ्लेम पैदा होगी। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फर दैट वेपराइज, सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि एक वैक्स है और एक कैम्फर है, जो कि वेपोराइज होते हैं, वेपर बनते हैं, ऑन हीटिंग बर्न्स विथ ए फ्लेम, बर्न्स विथ ए फ्लेम, फ्लेम के साथ में वो जलते हैं, फ्लेम मतलब लपटे जो होती है उनको फ्लेम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड कोल एंड चारकोल आर सॉलिड, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कोल और चारकोल जो होते हैं वो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, दैट डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग, जो कि गर्म करने पर वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, चारकोल को आप गर्म करोगे तो वेपर नहीं बनेगा, सो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, इसलिए ये जब जलेंगे तो बिना फ्लेम पैदा किए जलेंगे। लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, लेकिन हम लिक्विड फ्यूल की बात करें, जैसे केरोसिन ऑयल है एंड मस्टर्ड ऑयल, दैट वेपोराइज ऑन हीटिंग, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बर्न्स विद ए फ्लेम, तो जो चीज़ें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर बर्न होंगी, इट प्रोड्यूस ए फ्लेम,
द सब्सटेंस दैट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, तो वो चीज़ें जो कि वेपर बनाएंगी और जलेंगी उनसे फ्लेम पैदा होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ओके, सो दिस इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। सो वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ रीड इट, अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मेंशन। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। इस कैंडल फ्लेम के जोन के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।